से इथिले प्रभुंकर परम भक्त तथापि से निज आराध्य देवतांको किपरि जहर टेकी देले कौन कारण थिला एमिति तांको कौन एथिपाई के बाध्य करिथिले कि ना से निजे एमिति कले रही जांतु स्वामी एबे अनर्थ हो जाइथांता अनर्थ कि अनर्थ स्वामी आपण को जो खाद्य दि जाइछि से खाद्य रे जहर मिसा जाइछि आउ एबे जदि आपण ए खाद्य खाइ देथांते तेबे मृत्यु सुनिश्चित होइथांता कौन कौन कहल तमे जहर मते क्षमा करिवो मु ए खाद्य ही खाइबी हेले कौन पाई स्वामी एथिरे तो विष मिसा जाइछि एक कथा जानिबा परे भी एखाद कौन पे खाइब तमे बुझी पारिबनी जानतरे हो कि अजानतरे हो ए विषमिशा खाद्य मु मोर आराध्य देवता उद्देश्य रे टेकी देछि जदि मो प्रभु विष खाइबे तबे मु केमती तांको विष दे जीवित रहिबी मते ए विषमिशा खाद्य खाइबा को पड़िबो ना ए सब करंतुनी आपण स्वामी रघु तांको स्त्री को कथा को अणदेखा करी से खाद्य को खाइदेले जय जगन्नाथ नमस्कार मु अनु आपण को पाख को नहीं आसी द पुरी ट्रैवलर नौ दिन नौ कहानी शेष कहानी को ये कहानी टी होची जने जमीदार पुत्र जहांकर नाम रघु जमीदार पुत्र ही मध्य से जने अरक्षित जीवन जापन करुथिले सेथिपाई तांकु रघु अरक्षित बोली कह जाउथिला भगवान को प्रति भक्तर जो अनाबिल प्रेम ताहा केवल भगवान को नुहे सारा ओडिशा को जना आउ ए कहानी हेउची प्रभुंकर भक्त प्रति थिबा करुणारे एक विराट उदाहरण प्रसिद्ध प्रजावत्सल जमीदार थिले कृष्णचंद्र महापात्र प्रजा सेवा ही से निजर परम धर्म बोली भावुथिले से सर्वदा दान धर्म रे मन बळाउथिले तेणु तांकर समस्त संपत्ति से गरीब को सहाय्य करबा को विनियोग करथिले से समय रे बाल्य विवाह प्रचलन थिला सेतेबेले कृष्णचंद्रक पुत्र रघुनाथ को मात्र 13 वर्ष बयस होता से बह कलावतीपुर जमीदार गंगाधर करण कन्या अन्नपूर्णा को बहुत कराइ दि जाता जेहेतु रघुनाथ गरीब मान सेवा करुले दानधर्म करुले तेणु तांकर धन संपत्ति सब बिक्री करी दान करदे थे राज्य में खोर मरुड़ी पड़ा शस्य हानि होगला जमीदार खजना दे पारे यह सत्वे कृष्णचंद्र लोक मान खजना छाड़ करदे जमीदारी बहु अंश बिक्री हो सारी तथापि से करज कर लोक को साय कर शेषे मृत्यु है मृत्यु पर रघुनाथ पाखे ना को मात्र जमीदारी थिला हेले धन संपत्ति नथिला एणे पितांकर करज सुझापी से अवशिष्ट जहाँ संपत्ति थिला बिक्री कर सारी शेषे रघुनाथ पाखे भिक्षा मागवा छड़ा आउ से बाट रही जा नथिला से दिन ठार जमीदार रघुनाथ परिचय है रघु अरक्षित रघुंर एमती दयनीय अवस्था देखि शशुर निज झी को निज वास को नहीं आसिले एकाकी रघु भांगी पड़े शेषे से चिंता कले जहाँ भी होना कहीं एमती दुखरे कालीपात करवाठ भल कि मो आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ चरण को चली एक भावी से जगन्नाथ धाम को चलीगले प्रभुंर नाम है जपामाणी प्रभुंर ना गान करी करी से भोक शोष सब भूलीगले बड़ दांड आउ बेढ़ से प्रभु ना गान करी करी बुलुले आनंद बजार रे भक्त और जात्री माने जाचुवा प्रसाद सेवन करी करी से जीवन अतिवाहित करते ना तांकर गाँ ठिकणा किसी मन पड़ूला ना तांकर स्त्री अन्नपूर्णा को मन पकेबार समय पाखे थिला श्रीक्षेत्र रघु एक भिकारीर जीवन जीवन जानवाप
रघुंकर ससुर गंगाधर करण निजक धिक्कारिबाकु लागे। एक अपात्र को निज झियो को दान करि देथिबारु अत्यंत दुख प्रकाश कले। एहा द्वारा तांग झियोर जीवन नष्ट होइगला। पुत्री निकटरे करिथिबा अपराध पई निजक बहुत तिरस्कार करथिले गंगाधर। सेथिपई शेषरे से चिंता कले निज झियो को एक अन्य बरपात्र ठीक करि विवाह कराइ देबे। झियोर सुनेली भविष्यतर स्वप्न से देखि सारिथिले। आउ एक उत्तम बरपात्र देखि से विवाहर दिन धार्य करि सारिथिले। घर को आसी जमीदार कहले, अरे शुणुछ, मु एबे बहुत खुशी, कारण मो जीवन रे करिथिबा भूल आज सुधारिबार सुजोग मिलला। पत्नी कहले, हाँ आपण आज बहुत संतुष्ट दिशुचंती, आपण को मुखमंडल रे हा स्पष्ट बारी हे जाउछि। जमीदार कहले, हाँ तमे ठीक कहुछ, आउ शुण, मु एक उत्तम बरपात्र खोजि सारिछि, आउ विवाह पई मध्य दिन धार्य करि सारिछि, दुहिंक जोड़ी बहुत सुंदर दिसिबो। पत्नी कहले, जहा हो केते दुख सहु नथिला आम झियो, एबे ता दुख कष्टर समय गला, जणे नुआ जीवन साथी सहित से बे सुख शांति रे समय अतिवाहित करिबो, दुख ठारु दूर रे रहिबो। पिता मातांकर ए कथा अन्नपूर्णा शुणुथिले, तांको ए विवाह को स्वीकृति देबार मन नथिला, तेणिकी तांको स्वामी दिन दरिद्र हेले भी एजावत जीवित, आउ से जीवित थाउ थाउ अन्नपूर्णा विवाह करिबे एहा किपरे संभव हबो। से जणे पतिव्रता नारी, अंध कुजा केम्पा दरिद्र पागल जहा भी होना कहीं जणे नारी पाई ता स्वामी स्वामी अटे, देवता अटे, आउ तांकु छाड़ी अन्य काहा को विवाह करिबार स्वप्न तो पाप ना। तेणु से एकांतरे एक चिठी लिखि पठेले तांको स्वामी रघु अरक्षितंक पाखकु। तांको पिता विवाहर दिन धार्य करि सारछन्ति। ए चिठी पाइबा मात्रे तांको एठु आसी नै जिबाकु अनुरोध करथिले तांको स्त्री अन्नपूर्णा। चिठीटी को अनुनय विनय होई ग्रामवासीक हातरे पठाइ देले रघुंक पाखकु। सेदिन सेही विवाहर तिथि, किछि समय परे रोसणी नै आसिबो जणे, आउ विवाह करि नै जिबो अन्नपूर्णाकु। सेही दिन ही रघुंक पाखरे पहुँचिला चिठीटी। चिठीटी पढ़िबा मात्रे रघुंकर पाद तळ माटी खसीगला। दुईधारा लुह झरी आसिला रघुंक आखिरु। अश्रुळ बदनरे से कालियार चका आखिकु चाहि रहिथिले। एते कम समय भितरे कळावती पुररे पहुँचिबा असंभव, आउ निज स्त्री को जाणिशुणी आउ काहार हेबा पई केमिति से देइ पारिथांते। हठात कौन हेला के जाणी केही बुझि पारिलेनि। रघु अरक्षित जाए उपस्थित हो गले ससुर घरे। स्वामी निकटर स्त्री को छड़े नवा एत सहज नाला। रघु शशुर घर लोक अन्नपूर्णा सह देखा कर सुजोग देना, बरम रघुनाथ को आदर अभ्यर्थना करने को लगे। स्नेहपूर्ण कथा कही खाद्य विष दे मार चक्रांत करपूर्णा सतर्क दृष्टि ए कुकर्म बची पारा। जेतेबेले पिठारे विष दे पिठा प्रस्तुत करा जाउथला, सेतेबेले अन्नपूर्णा एक छोट तालपत्रे एथिरे विष दिया जायछि, एहाकु खाइबे नाही बोली लेखि पिठा भितरे रखिदेले। ससुर घरे स्नेहपूर्ण कथा आउ एते सम्मान पाई रघु अत्यंत प्रसन्न थिले। खाइबा पई पिठा परसा गला। क्लांत रघुनाथ क्षुधारे अतिष्ठ थिले, तेणु पिठाटी प्रभु श्री जगन्नाथंक उद्देश्य रे समर्पण करिदेले ओ निजे खाइबा पई मुहंकु नेबा समय रे स्त्रींकर हातलेखा तालपत्रटी तांक नजर को आसिला। से पढ़िले किंतु से नाचार थिले। ए विष मिसा पिठा से प्रभुंकु टेकी सारिछन्ति, एणिके आउ किछि बाट नाही। परम भक्त ही जदि से विष भगवानकु खाइबाकु देइ सारलेनि सत्यता जानिबा परे से केमिति ए खाद्य न खाइबे। जदि एथिरे अमृत भी थांता तेबे भी मु प्रभुंकु प्रदान करिथांति आउ तापरे ग्रहण करिथांति। एबे विष जानिबा परे मु न खाइबे एहा हे पारिबनि, आउ प्रभुंकु विष दे से निजे बंची पारिबेनि। तेणु से विष मिसा पिठा सेवन कले आउ सेइठी टळी पड़िले। शशुर घर लोके अत्यंत खुशी जे जहा हो एबे सबु ठीक हो, बर पहुँचवा आगु ए शबर अंतिम सत्कार करदे भल हम। मृत्यु सज्जे शोई था रघु।
आ से स्वप्न रे देखिले रघु ए रघु एबे उठ शून्य रे उड़ाई आनी मु तुमको एठी पहुंचेली केवल तमे तम स्त्री को पाइबो बोली हेले तमे एठी विष खाई मृत्यु सज्जारे सोइछ ये कौन रघु तमे जदि मरीजीव मो पाई किए गीत गाइब आउ मु कौन सुनी आनंदित हेबी सुना बहुत समय हो गला तेणे अनेक काम बाकी रही गला एबे तमे उठ आउ मो पाई गीतटे गाओ मु शुणी आउ तापरे निज पत्नी अन्नपूर्णा को धरी श्रीक्षेत्र फेर रघु स्वप्न रे कहते जथा आज्ञा महाप्रभु धन्य तुमर लीला मृत रघु अरक्षित पार्थिव शरीर को उठाइला बेलू रघु आनंद मन में प्रभुंर भजन गान करने लगला एस्ते देख डरी दौड़ा लगिले शशुर घर लोक एक विश्वास करें आभल एक ऐश्वरिक शक्ति आगे से आवाक निज पुत्री अन्नपूर्णा को रघु हाथ में टेकदेले रघु सेठार पत्नी प्रत्यावर्तन कले देखिले तो प्रभु लीला विष भी अमृत है आक्त को नुआ जीवन मिलला ये थिला द पुरी ट्रैवलर नौ दिन नौ कहानी शेष कहानी जय जगन्नाथ।